क्या आप जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली में एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन नगर निगम काम करते हैं। भले ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन अब इसे एक करने के लिए कानून लाया जा रहा है और इस कानून को कहा जा रहा है MCD यूनिफिकेशन बिल। आज तक एक्सप्लेनर में आपको आसान भाषा में MCD यूनिफिकेशन बिल के बारे में बताएंगे। आखिरकार ये बिल क्या है, इसके लागू होने से दिल्ली कितनी बदल जाएगी, साथ ही आपको इसे लागू करने के पीछे BJP का तर्क भी बताएंगे। वैसे आपको बता दें, दिल्ली में पिछले कुछ सालों से तीन नगर निगम के जरिए काम किया जा रहा है। पहला है साउथ दिल्ली, दूसरा है नॉर्थ दिल्ली और तीसरा है ईस्ट दिल्ली। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे एक करने का फैसला लिया है। केंद्र का मानना है कि तीन नगर निगम के जरिए काम करने का प्रयोग असफल रहा है। साल 2012 में ही दिल्ली को तीन नगर निगम के क्षेत्रों में बांटा गया था। उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तर्क दिया गया था कि ऐसा करने से विकास कार्य तेजी से होंगे और कामकाज में सुधार आएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस बदलाव से दिल्ली कितनी बदल जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स का तर्क है कि इससे नगर निगम पर होने वाले खर्चों में काफी कमी आएगी। अभी खर्च के तीन जगह बढ़ जाने से बोझ बढ़ जाता है। वैसे आपको बता दें, दिल्ली में अभी मौजूद तीन में से दो निगम ऐसे हैं जो वित्तीय रूप से काफी कमजोर है। उन्हें कर्मचारियों को सैलरी देना भी काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नए MCD यूनिफिकेशन बिल के जरिए वित्तीय लेनदेन, वार्डों की संख्या, मेयर के कार्यकाल में सुधार आएगा। ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।